अब मैं आपकी क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। चलिए कंटिन्यू। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना में आप स्टडी से बहुत दूर हो गए हो, तो हम एक बार उसको वापस आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं। अब हम सबसे पहले जैसे हम मैथमेटिक्स में छोटा सा टॉपिक लिया है हमने कोरिनोम, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा और शायद आपने पढ़ा है, सब भूल भी गए होंगे। अब हम आपको इसके बारे में पहले का भी थोड़ा रिवाइज करवाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लास 9th में कोरिनोम कितना डिटेल से है, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में भी इसका इतना ही वेटेज है जितना क्लास 9th में है, इसीलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो हमसे इन्फॉर्म करें हमें और मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉलीनोमियल होता क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में देखें, आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इन सब के बारे में सुना हो। जैसे हम इसे देखें, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल इन सब के बारे में सुना हो, इनके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी हम आपको बताते जाएंगे जो इनकी बेसिक डिटेल्स हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो नई से स्टार्ट हो रहे हैं, हमें इनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आपको आप सब कुछ भूल गए हो। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है। अब हम इसमें देखते हैं कि मोनोमियल होता क्या है। तो जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर आगे पॉलीनोमियल पे आएंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि मोनोमियल, तो मोनोमियल क्या है। मोनोमियल हम किसको नेम देते हैं या इसे टर्म से क्या मतलब है। अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो होने चाहिए आपके पास 1। बेसिक सी चीज है, एक बार वापस देखिए। अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। इसी टाइप से अगर आप ये देखें कि किसी एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। फिर उसके बाद आपके पास अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। फिर इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज होते जाते हैं, बहुत सारे टर्म्स। उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीनोमियल। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है, 3 है या मोर देन 2 और 3, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल में ही काउंट कर लेते हैं उसको। तो सबसे पहले आप ये देखिए आप कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कैसे करते हैं, किसी एक्सप्रेशन में पहचानेंगे कैसे कि टर्म्स कौन से हैं और कितने हैं। देखो इसके बारे में देखते हैं, एक बार आपने दो लाइन लिख लीजिए, मैं साइड कर जाता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए, नोट आपने कर लिया होगा। हम इसमें आगे देखते हैं थोड़ा सा,
पास में मोनोगे हमने पढ़ा, मोनोमियल क्या है, नंबर ऑफ टर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें होंगे, कैसे पहचानेंगे हम, कैसे कन्फर्म करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास वन ही है या मोर देन वन है, टू है, थ्री है या फिर फोर है, देखते हम उसको कन्फर्म करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने इसे देखा कि हमने लिखा है एक्सप्रेशन ओनली एक्स, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें नंबर ऑफ टर्म आप वैसे भी बता दोगे, आपको आइडिया, इसमें केवल एक सिंपल टर्म ही लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ टर्म हम यहाँ लिखते हैं, इसमें वन टर्म है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एक्स इंटू वाई, ध्यान देना, अब हमने लिखा एक्स इंटू वाई, वेरिएबल अकेला था, यहाँ टू वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल से नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ लिखा एक्स, एक एक्सप्रेशन लिखा, इसमें नंबर ऑफ टर्म काउंट करके हमने देखा इसमें केवल नंबर ऑफ टर्म है वन, इसमें वन नंबर ऑफ टर्म है, तो ये तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी को पता है, लेकिन कन्फ्यूज अगर आपको किया जाए या एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि एक्स और वाई दो वेरिएबल आपको एक साथ कंबाइंड दिए जाए और फिर हमसे पूछा जाए इसमें बताएं कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म आप काउंट करेंगे इसमें भी केवल नंबर ऑफ टर्म एक ही है। इसी तरह एक्स वाई जेड अगर लिखा जाए इसमें भी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एक। ये बेसिक चीज है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम नंबर ऑफ टर्म काउंट करें तो कैसे पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, इसके लिए हम इसको देखते हैं, समझते हैं। आप कोई भी वेरिएबल लिखते हैं या कोई भी काउंटिंग लिखते हो उसके साथ में अगर हम ये देखें उसमें प्लस या माइनस, अगर आप एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल या तो प्लस करें या माइनस करें या कोई नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जेड प्लस थ्री, कुछ भी लिखवा प्लस वाई, अगर हम प्लस और माइनस इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन यूज करते हैं तो जो नंबर ऑफ टर्म की काउंटिंग है वो इंक्रीज होती है। एक बार वापस समझें, जब भी आप ये एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसमें प्लस इट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग इंक्रीज होती है। तो जैसे आपके इसमें हम नंबर ऑफ टर्म काउंट करें इसमें टू, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म टू हो गए, इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म टू है और इसमें भी टू है, इसी तरह लास्ट वाले में नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, थ्री आएंगे। ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म काउंट करने का मेथड हो गया। जैसे आप अगर यहाँ लिखे एक्स वाई जेड प्लस वन, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करना हो, इसमें ओनली कितने नंबर ऑफ टर्म है, टू है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें एक्स वाई प्लस जेड, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टू है। कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है प्लस वन है, केवल जो आपने ऑपरेशन यूज किया है उससे पहले जितने भी टर्म हैं वो सारे के सारे आप एक सिंगल टर्म में काउंट करेंगे, उसके बाद जो यूज हुआ वो सेकेंड टर्म। इसी टाइप से इसमें भी प्लस से पहले एक टर्म और प्लस के बाद एक टर्म, यहाँ पे आपके पास टोटल कितने टर्म हो गए, टू टर्म। ऐसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें टोटल कितने टर्म है, थ्री। यहाँ हम अगर लिखेंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, डबल डबल वेरिएबल यूज किया है लेकिन हमारी कंडीशन एक ही है, वो क्या है,
कि हमें केवल प्लस माइनस वाले ऑपरेशन पे ही कंसंट्रेट करना है, इसमें आपके पास प्लस और माइनस, तो यहाँ भी आपके पास कितने हैं, थ्री। इस तरह से आप नंबर ऑफ टर्म काउंट करना सीख गए हैं, वन टू थ्री जितने भी होंगे, और मोर देन थ्री भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें एग्जांपल है एक्स वाई जेड ए बी, इस एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हम काउंट करना चाहें तो ये आएंगे हमारे पास फाइव। इस टाइप से हम मोनोमियल समझ गए। मोनोमियल केवल वो ही एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म वन है, बाइनोमियल वे एक्सप्रेशन है जिनमें नंबर ऑफ टर्म टू है। जैसे ये जो एक्सप्रेशन है ये हम ये करते हैं, ये सभी काउंट होते हैं इसमें बाइनोमियल। फिर ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल में हमारे पास जिनमें नंबर ऑफ टर्म थ्री है, ये सारे एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल में आते हैं, और हम इन सभी को क्या बोल देते हैं, पॉलीनोमियल, जो मोर देन वन से आगे लेते हैं। आप एक बार इसको प्रॉपर नोट करें, और किसी बच्चे को अगर वॉइस में प्रॉब्लम है तो हमें इन्फॉर्म करें, मैसेज करें चैट बॉक्स में, अपने मोबाइल फोन म्यूट रखें, डिस्टर्बेंस ना करें, और आप एक बार हमें इन्फॉर्म करें वॉइस क्लियर है या नहीं। अगर आपको भी कोई इंटरनेट इश्यू वगैरह है तो एक प्रॉपर जगह पे सेट हो ताकि आप क्लासेस प्रॉपर ले पाओ, एक बार हमें इन्फॉर्म करें और ये नोट करें। देखो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगर किसी बच्चे को कोई टेक्निकल इश्यू आया तो आज की हमारी स्टार्टिंग क्लास थी, अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप हमें एक बार मैसेज करके इन्फॉर्म जरूर करें, ऐसा नहीं कि हाँ अगर प्रॉब्लम आ रही है बताते भी नहीं तो बिना बताए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और अगली क्लास का शेड्यूल आपको मिल गया होगा, एक बार आप अच्छा अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चेक कर लें तो मदद कर, और किसी आपका दोस्त या रिलेटिव जो इंटरेस्टेड हो इन क्लासेस में, सिमिलर क्लासेस में पढ़ता हो, उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ हो और वो कंटिन्यू करना चाहता हो तो उसको भी इन्फॉर्म करें कि आपके यहाँ रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और इसका प्रॉफिट मैक्सिमम बच्चे ले, यही हमारे आपसे उम्मीद है। ओके बच्चे, थैंक यू, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक।